नमस्कार, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं झंझार। हम ये जो आजकल सवारियां कुछ आप बहुलता में एक चीज़ें ये देख रहे होंगे कि जो हमारे आसपास कई सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जिनको अभी तक शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, और इन चीज़ों में जो शुमार कर रहा है वो बैटरी रिक्शा है, ई रिक्शा भी है। ई रिक्शा को चलाने वाले भी काफ़ी तादाद में लोग हो गए हैं और इस तरीके का व्यापार भी डाल रहे हैं और इसको खरीद कर व्यक्तिगत तौर पर जो है चला भी रहे हैं। और जो पहला, दूसरा और तमाम ये जो लॉकडाउन बीते उसके बाद भी जो तमाम लोग बेरोज़गार हुए हैं, जो जिनकी तमाम लोगों की नौकरियां गई हैं, वो भी इसी ई रिक्शा को जो है माध्यम बना रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे ही जो है व्यक्ति मौजूद हैं, गुड्डू नाम है इनका, और गुड्डू ने भी कहीं ये नौकरी करते थे, इनका नौकरी चला गया और उसके बाद इन्होंने ई रिक्शा को ही अपना रोज़गार या इसको जो है जरिया बनाया है, कमाई का जरिया बनाया है, परिवार को पालने का जरिया बनाया है। तो गुड्डू हमारे साथ मौजूद हैं, गुड्डू से हम जानेंगे जो है कि इस वक्त में ई रिक्शा को चलाकर अपना जो परिवार पालने का जो होता है, जो पाल पा रहे हैं कि नहीं पाल पा रहे हैं, तमाम सारी बातें गुड्डू बैठे हुए हैं। तो ये बताइए सर, क्या नाम है आपका? हमारा गुड्डू नाम है। तो ई रिक्शा से कितनी कमाई हो जा रही है? ई रिक्शे से बहुत ज़्यादा 200-300 रुपये पैदा होता है। 200-300 रुपये? 200-300 रुपये सवारी में केवल। बच्चे कितने हैं आपके? हमारी एक बिटिया है, 7 साल की है। 7 साल की है। तो ये बताइए कि जो है क्या परिवार चलाने में 200-300 रुपये का जो है क्या चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बिटिया को पढ़ाने तक में दिक्कतें हो रही हैं, और हम खुद एम ए बी एड हैं, नौकरी नहीं मिली थी तब ये रिक्शा लिया है, और इसलिए अब किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये हम ही जान रहे हैं। तो ये बताइए कि कहीं आप, हमने सुना है कि नौकरी भी करते थे? हाँ। नौकरी छूट गई लॉकडाउन के दौरान? हाँ, प्राइवेट नौकरी करते थे। हाँ। एक डॉक्टर साहब थे, उनकी गाड़ी चलाते थे, पहले 4 पहिया गाड़ी। हाँ हाँ। और उसके बाद वो नौकरी अब छूट गई है, तब जो है रिक्शा लिया था। अच्छा, ये कितने का ही रिक्शा लिया था आपने? ये 1,67,000 का लिया था। हाँ। 1,67,000 का लिया था और हमको 3 साल हो गए हैं। सभी कागज़ भी बनवाने पड़ते हैं और कागज़ बनवाने के बाद फिर ये रोड पर चलता है, और कागज़ बनाने में ही करीब 50,000 खर्चा आ जाता है साल का, बैटरी का है, कागज़ का है, ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इस ई रिक्शा के अंदर जो है? हाँ, ई रिक्शे के अंदर। तो क्या ये बताइए कि इसके भी कागज़ बनते हैं क्या? हाँ, इसके सभी कागज़ बनते हैं, फिटनेस बनती है, लर्निंग, वो फिटनेस बनती है, रजिस्ट्रेशन होता है, लाइसेंस बनता है, ये सभी कागज़ होते हैं। तो गुड्डू जी को सुनते रहिएगा, और जो है ई रिक्शा, जो जहाँ तक हमें याद है कि ई रिक्शा को सारा कुछ जो है वातावरण और तमाम चीज़ों को अनुकूल बताते हुए ई रिक्शा को जो है हर चीज़ों से फ्री बताया गया था, लेकिन ई रिक्शा में गुड्डू के मुताबिक क्या हो पा रहा है वो आप सुनते रहिए। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की। और ये बताइए कि ये जो मौजूदा वक्त की जो सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार चल रही है, क्या पिछली बार वोट दिया था आपने? नहीं, हम पिछली बार बीजेपी को नहीं दिया है, हमारा शुरू से कांग्रेस का वोट रहता रहा है। हाँ। और हमारे पिताजी से लगा के हम लोग जो है कांग्रेस को ही वोट देते चले आ रहे हैं। तो गुड्डू जी कांग्रेसी हैं, और तो क्या बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते हैं ये बताइए? बीजेपी को वोट क्या दिया जाए? बीजेपी सरकार में एक तो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सबसे ज़्यादा कमी ये है। हम तो मान लो उम्र दराज हो गए, 50 साल उम्र हो गई है, और हमने एम ए बी एड किया, ITI 2 बार किया, उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिली। अच्छा। हाँ, और हमने नौकरी, अच्छा, ITI 2 बार कर चुके हैं? 2 बार ITI किए हुए हैं हम। ये तो ITI को तो बताया जाता है कि इंजीनियरिंग के जो है समकक्ष होती है? नहीं, होती है, मगर वहाँ भी जो है हेरा फेरी चलती है, क्योंकि हम किस तरीके की क्योंकि वहाँ SC बिरादरियों कोई सुनता नहीं है।
और कोटा का केवल नाम है कि कोटा है, कोटा है, कोटे का कहीं मात्र। अच्छा, ऐसी बिरादरी बोले, ये कुछ आरक्षण की बात कर रहे हैं, कोटा कोटा कुछ आरक्षण की बात कर रहे हैं, ऐसी बिरादरी बोले तो। हाँ, एससी बिरादरी अनुसूचित जाति में आती है। हाँ, अनुसूचित जाति में आती है। उसमें कोटे का क्या मतलब है? अरे जैसे आरक्षण होता है, आरक्षण केवल नाम का होता है, आरक्षण उसी को मिलता है जिसका जुगाड़ होता है, पैसा होता है, सोर्स अच्छा। होता है, नेता नगरी होती है, अच्छा। उनको नौकरियां मिलती हैं। हाँ। बाकी जो है जल्दी जल्दी चाहे जितना पढ़े लिख जाओ नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे घर में एक लोग नहीं कम से कम 12-13 लोग हैं और सब एमए बीएड किए हुए हैं, तो किसी के पास नौकरी नहीं है। अगर आपको जो है एससी है आपने बताया जी? आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता तो किन लोगों को फ़ायदा मिलता है? आरक्षण बता तो नहीं, जिनके पास जुगाड़ है, पैसा है। अच्छा, उन हाँ उन्हीं के कनपुरिया जुगाड़। हाँ, कनपुरिया जुगाड़, जुगाड़ जिनके पास है उन्हीं को सब कुछ होता है, और वैसे किसी को कुछ नहीं है। हर सरकार आती है, मतलब अपना अपना अभी कागज बनते हैं, फिटनेस बनती है, लर्निंग वो फिटनेस बनती है, रजिस्ट्रेशन होता है, लाइसेंस बनता है, ये सभी कार्य होते हैं। तो गुड्डू जी को सुनते रहिएगा, और जो है ई रिक्शा, जो जहाँ तक हमें याद है कि ई रिक्शा को सारा कुछ जो है वातावरण और तमाम चीज़ों को अनुकूल बताते हुए ई रिक्शा को जो है हर चीज़ों से फ्री बताया गया था, लेकिन ई रिक्शा में गुड्डू के मुताबिक क्या हो पा रहा है वो आप सुनते रहिए। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की, और ये बताइए कि ये जो मौजूदा वक्त की जो सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार चल रही है, क्या पिछली बार वोट दिया था आपने? नहीं, हम पिछली बार बीजेपी को नहीं दिया है, हमारा शुरू से कांग्रेस का वोट रहता रहा है। हाँ। और हमारे पिताजी से लगा के हम लोग जो है कांग्रेस को ही वोट देते चले आ रहे हैं। तो गुड्डू जी कांग्रेसी हैं, और तो क्या बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते हैं ये बताइए? बीजेपी को वोट क्या दिया जाए? बीजेपी सरकार में एक तो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सबसे ज़्यादा कमी ये है। हम तो मान लो उम्र दराज हो गए, 50 साल उम्र हो गई है, और हमने एमए बीएड किया, आईटीआई 2 बार किया, उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिली। अच्छा। हाँ, और हमने नौकरी आईटीआई 2 बार कर चुके हैं, 2 बार आईटीआई किए हुए हैं हम। ये तो आईटीआई को तो बताया जाता है कि इंजीनियरिंग के जो है समकक्ष होती है। नहीं, होती है, मगर वहाँ भी जो है हेरा फेरी चलती है, क्योंकि हम किस तरीके की क्योंकि वहाँ एससी बिरादरी कोई सुनता नहीं है, और कोटा का केवल नाम है कि कोटा है, कोटा है, कोटे का कहीं मात्र। अच्छा, एससी बिरादरी बोले ये कुछ आरक्षण की बात कर रहे हैं, कोटा कोटा कुछ आरक्षण की बात कर रहे हैं, एससी बिरादरी बोले तो। एससी बिरादरी अनुसूचित जाति में आती है। हाँ, अनुसूचित जाति में आती है। उसमें कोटे का क्या मतलब है? अरे जैसे आरक्षण होता है, आरक्षण केवल नाम का होता है, आरक्षण उसी को मिलता है जिसका जुगाड़ होता है, पैसा होता है, सोर्स अच्छा। होता है, नेता नगरी होती है, अच्छा। उनको नौकरियां मिलती हैं। हाँ। बाकी जो है जल्दी जल्दी चाहे जितना पढ़े लिख जाओ नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे घर में एक लोग नहीं कम से कम 12-13 लोग हैं और सब एमए बीएड किए हुए हैं, तो किसी के पास नौकरी नहीं है। अगर आपको जो है एससी है आपने बताया जी? आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता तो किन लोगों को फ़ायदा मिलता है? आरक्षण बता तो नहीं, जिनके पास जुगाड़ है, पैसा है। अच्छा, उन हाँ उन्हीं के कनपुरिया जुगाड़। हाँ, कनपुरिया जुगाड़, जुगाड़ जिनके पास है उन्हीं को सब कुछ होता है, और वैसे किसी को कुछ नहीं है। चाहे बसपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की, कोई भी सरकार हो, जब वोट लेने होते हैं तो केवल पब्लिक को उल्लू बनाती है। अच्छा, एक चीज़ इन दिनों जो है बसपा सरकार का एक चीज़ ये सामने आ रहा है। हाँ? और भी तमाम दल हैं। हाँ? उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ? तो बोल रहे हैं ब्राह्मणों को साधने की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों को साधने की, मतलब तमाम तरकीबें निकाल रहे हैं ब्राह्मणों को साधा जाए। देखिए, ब्राह्मणों को साधने से कुछ नहीं होगा, ब्राह्मणों का वोट जहाँ होता है वहीं जाता है, केवल ये नेताओं का दिमाग का फेर है। एससी वोट ही केवल बसपा का है, बाकी यह कहने को चाहे जो कोई कहे कि एससी वोट ब्राह्मण देगा, ब्राह्मण कोई नहीं देता है, उनके घर के सदस्य नहीं देते हैं। अच्छा, ये आखिरी सवाल है कि आप इस बार किसको वोट देना पसंद करेंगे इस बार? जैसा क्यों बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो बता रही है कि उसने बहुत ज़्यादा भयंकर विकास कर दिया है। हाँ। हैं, और तमाम सारा मतलब आदमी रामराज हो गया उत्तर प्रदेश, और हाँ। बहुत खुशहाल है। हाँ। तो इन मायनों को आप क्या समझते हैं? देखिए सर, खुशहाल वही है जिसको सब कुछ मिल रहा है,
बाकी घोषणाएं तो बहुत हुई हैं, अभी भी आया था कि पट्टी वालों को 1,000 रुपये मिलेगा, कहीं किस नहीं मिलता है, केवल कहने को है कि रुपए मिल रहा है गरीबों को, ये हो रहा है, केवल ऊपर कागज़ में लिख के आता है, नीचे पब्लिक के पास नहीं कुछ होता है। हम लोग हैं रिक्शा चलाते हैं दिन भर, पुलिस भी हम लोगों को धुतकारती है, टेम्पो ऑटो वाले भगाते हैं, हम लोग रोड पर चलते रहते हैं, कहीं अड्डा तक नहीं हम लोगों के पास है कि खड़े हो के हम लोग पानी भी पी सकें। हम लोगों ने अपने पैसे लगाए, अपना धंधा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतनी परेशानी है कि जीवन यापन करना ये बड़ी मुश्किल है। कभी कभी तो घर में जाके ये लगता है कि खुदकुशी कर लो ज़्यादा। ये लॉकडाउन जब से हुआ है सब लोग बहुत परेशान हैं, एक हम ही अकेले नहीं, हर रिक्शे वाला परेशान है। नहीं, खुदकुशी करना तो ये अंतिम निदान नहीं होगा, लेकिन अगर इस सरकार में आपको इस तरीके का लग रहा है तो सरकार को आवश्यक तौर पर जो है ध्यान देना। पहली बात तो ये है, रिक्शा वालों के लिए कागज़ का नियम बिल्कुल हटाना चाहिए, सरकारी कागज़ जो है ये बिल्कुल हटा देने चाहिए। हाँ, रजिस्ट्रेशन आपने एक बार करा लिया है उसको मतलब क्षमता रखनी चाहिए, 5 साल 10 साल रहेगा, उसके बाद आप जो है रजिस्ट्रेशन हर साल कराइए, और उसके बाद फिटनेस कराते हैं, मतलब दुनिया कागज़ बहुत से कागज़ बन। तो कमी किसकी मानते हैं यहाँ पर? ये तो सरकार की कमी है, पहले तो कागज़ थे नहीं, ना पहले कागज़ बनाने के लिए कहा गया था, ये जब बीजेपी की सरकार आ गई तब ये कागज़ बने जाके, अखिलेश की सरकार में कोई कागज़ नहीं थे, अखिलेश की सरकार में रिक्शे केवल दिए गए थे, कोई कागज़ नहीं थे, और इसके बाद अब तो बीजेपी में मतलब कागज बनना जरूर, कागज मांग रहे हैं। हाँ, कागज मांगे जाते हैं, तो मतलब कागजों की सरकार है। तो गुड्डू के मुताबिक ये जो सरकार चल रही है वो कागजों के मुताबिक चल रही है, कागजों की सरकार चल रही है, कागजों की सरकार है। और हालांकि गुड्डू कांग्रेस के वोटर हैं और गुड्डू हमेशा से कांग्रेस को ही वोट देते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके गुड्डू से हमने जब ये पूछा कि इस बार उनका इरादा क्या है, तो गुड्डू ने हमको यही जानकारी दी है कि जहां वो जड़ हैं यानी जहां देते रहे हैं इस बार भी वो यही देंगे, और उनका इरादा ज़रा भी जो है डिगने वाला नहीं है। हालांकि इन सब में जो है तमाम बातें निकल रही हैं, और ये सारी बातें जब आगामी 2022 का इलेक्शन आएगा तो उसमें देखना ज़्यादा रुचकर रहेगा, ज़्यादा हितकर रहेगा। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।